What are bypass iPhones? अच्छा रामी भाई पहले आप बताएंगे what are bypass iPhones? बंदे ये है सामान हमारा, ये फ्रंट दो शॉकअप्स हैं विद स्प्रिंग्स, और ये वाला जो है ना ये है गाड़ी की कंगी। चल बेटे आ जा। ओए टैंकी खराब किड्डा बात रहे हैं, सर्दी नहीं लगती है ना, मेरे मुंह से धुआं नहीं रुक रहा और इसे सर्दी नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर हिरिया से होंगे और कल की वीडियो भी इंजॉय की होगी। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने लगूं मैं रात के टाइम में, क्योंकि मैं सुबह का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और ऊपर से सर्दी में यार दिल ही नहीं था कर रहा ब्लॉग करने पे कहीं पे जाने पे। तो अभी मैं तकरीबन इशा का टाइम है और इस टाइम पे मैं आया हूँ दुकान पे। दुकान पे हमने जो है ना अभी आ गया गाड़ी का सामान। गाड़ी की अपडेट ये है कि गाड़ी की जो कंगी थी वो उसके अंदर थोड़ा सा ना बुश की एडजस्टमेंट का इशू था और बुश का जो है ना एक साइड का चेंज होना था। तो अब वो वाली जो चीज़ है बाबा कहते हैं कि कंगी ही चेंज कर देते हैं, जब एक दफा खुल रही है तो फिर उसको पूरा चेंज कर देते हैं। कल वाली वीडियो आप लोग देखो जरा मेरे कारनामे देखो, इस वजह से होती है चीजें खराब। ये वाली ये जरा वीडियो देखो। Don't try this, please. तो देखा फिर ये वाले जो कारनामे होते हैं ना, इसकी वजह से अगले सारे का सारा जो लोड होता है जाहिर सी बात है इंजन का अगले हिस्से भी होता है, और जब अगला हिस्सा ही ऐसे आप पागलों की तरह गाड़ी चलाते हो तो वो फिर सारा जोर बॉल जॉइंट वगैरह कंगी शंगी ये बुश वगैरह सारे उड़ते हैं इस वजह से। तो कोई बात नहीं, अभी आ रहा है सामान। और एक और अपडेट मैं देना भूल गया था उस वीडियो में, जब मैंने वीडियो एंड की थी उसके बाद जाके ना हमने स्प्रिंग्स भी आपको मैंने बताया था बैक वाले चेंज करने थे, लेकिन हमने जब चेक किया तो अगला लेफ्ट साइड का जो शॉक है ना वो गाड़ी लगी थी खड्डे में, तो वो वाला जो शॉक था वो वाला हो गया बट डेड। वो मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया या नहीं बताया, वो वाला शॉक भी हमने मंगवाया लाहौर से मंगवाया यहाँ से। एक तो एक्सपेंसिव था, दूसरी चीज भी कोई मथे वाली नहीं थी मिल रही है, मतलब देसी चीजें मिल रही थी, ओरिजिनल नहीं था मिल रहा। ओरिजिनल हमने मंगवाया लाहौर से काबली, फ्रंट दोनों शॉक्स विद स्प्रिंग्स, और उसके अलावा हमने मंगवाई है कंगी जेन्युइन बिल्कुल अनटच पीस मंगवाए हैं। उमर भाई किधर गए थे यार, मैं तेरा जूते साफ करने गया था। दफ्तर है ना थे? ये दफ्तर क्या किस चीज का दफ्तर है थे ना था? यार ये जो सीक्रेट काम है वो किधर बैठ के करते हैं? दफ्तर में तो कौन सा दफ्तर करते है? की अंग्रेज अपने सीक्रेट काम कहाँ पे करते? रोड पे। रोड पे नहीं, ऑफिस में करता है, क्योंकि ऑफिस में किसने नहीं आना होता। किसने आना? तो सेक्रेटरी को बुलाता है, उसको कहता है अंदर आओ। कॉल कॉल किसकी है? किसकी आई है कॉल? कॉल किसकी है? आज आज की भाभी की फोन, आपकी भाभी की कॉल आई है। अच्छा मैंने पिस्तौल चार्जिंग पे लगाया, तंग नहीं करना मुझे। अच्छा आपका पिस्तौल चार्जेबल है? काफी पीते हैं आप? नहीं नो। रामेश भाई आप काफी? नहीं भाई हम काफी काफी आई लाइक इट टी काफी पीते हैं बस ठीक है। लेमन हम लेमन टक 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 कहां पीते हैं? मेरी बात सुनो, सामने से पैकेट मिलता है इतना सा कॉफी का। हाँ, हाँ वो तो है, मैं लेके आया हूँ। कितने कप बना ले? एक दो तीन, मैं तो इतनी सी पीनी है। मिल्की, मिल्की। कौन सी? मिल्की जो होती है, मिल्क वाली। यार वो दूसरी जो है ना एक कैपेचिनो होगी वो कड़वी है। कैपेचिनो पींदे पींदे मैं उसने देखी क्या है। मैं बंदियां नू कहना कि तुसी अच्छे काम करिया करो। अस्सलाम वालेकुम। दौड़ लगा अंदर ही चला सी। अच्छा अच्छा कोई नहीं हो जाता होता है। अच्छा की कह रहे हो? पैसे कितने चाहिए? कितने पैसे चाहिए? सारे पैसे 31 हो गए? ओने नहीं इन्ना नेड़े भी नहीं करना है। ओ हो गया बस। क्या बात है यार, इधर ना शूज लगे हुए हैं इधर, ये मार्केट में मना किया था ना मुझे टच ना करना। डोंट टच हिम। व्हाट आर यू डूइंग मैन? अच्छा छोड़ो सारी गल्ला, इधर उप गई है।
वेले बैठे हैं। चिड़ी उड़ी काउंडा खोता उड़ा। रमेश भाई सही सी बताना क्या हुआ है? यार मैं किया था घर अभी ठंडी ठंडी हवा में। अच्छा अच्छा तो ठंडी हवा लगी सर दर्द कर। नहीं मैं सैड सॉन्ग सुनने की वजह पूछ रहे हैं। नहीं वो सैड सॉन्ग यार वो तो सबको पसंद है। कोई सैड पसंद है किसी को अपने अपने पसंद होते हैं। किसी को रोमांटिक पसंद होते हैं किसी को वो वाले पसंद होते हैं। मैं थानू पता दसना किनू केड़े केड़े सॉन्ग पसंद होते हैं। जो बंदा होता है ना नवा नवा रिलेशन में उससे पसंद होते हैं रोमांटिक सॉन्ग। जेड़ा रिलेशन तो बाद वाली जिंदगी होती है ना उन्होंने पसंद होते हैं सैड सॉन्ग। तो तीसरे केड़ी कैटेगरी दसी है वो शादी के बाद जो होते हैं वो आज बीच में मिक्स होते हैं। जैसे जैसे के समझ आ रहा है कुछ। व्हाट आर बाईपास आईफोन्स? अभी रामेश भाई ने मुझे वीडियो बनाई है। मैंने सोचा यार व्लॉग में यही टॉपिक बना लेते हैं। रमेश भाई थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दिस टॉपिक। एंड ठीक है की अच्छा रमेश भाई पूछ रहे ने। अच्छा रमेश भाई पहले आप बताएंगे व्हाट आर बाईपास आईफोन्स? बाईपास ये होता है कि ये नॉन पीडी होता है। एक मिनट यार एक उमर भाई थोड़ी सी हमें मोहलत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बड़े काम दी गल है सुनो रमेश भाई बयान सुना ले। हां जी भाई ठंडी जुगते लगाई जा रहे हैं मुझे। अच्छा मैं थानू पूछे आईफोन का बाईपास की होंदा है? यार आईफोन का बाईपास जो होता है ना अच्छा एक तो होता है नॉन पीटी होता है। अच्छा नॉन पीटी और चीज है बाईपास जो है उसके बाईपास बेशक अगर पीटी अप्रूव होगा भी ना तो आगे सिम नहीं चलेगी उसके अंदर। मोबाइल का दिल उसका प्रोसेसर है। गुर्दा क्या कौन सा उसका? गुर्दा उसकी रैम है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? नहीं यार अगर इनको इधर का इधर उधर का इधर का दे तो क्या होगा मोबाइल सही चलेगा? फाट के हाथे च आ जाएगा। अच्छा यार मैं आपको बताता हूँ कि बाईपास आईफोन्स होते कौन से हैं। तो बाईपास बेसिकली होता है जैसे आईक्लाउड की आईडी होती है फोन में आईफोन में लगती है आईक्लाउड की आईडी ठीक है। तो वो वाली जो आईडी हम लोग लगा के उसका पासवर्ड भूल जाएं तो जब हम नहीं जब हम उसे वैसे मोबाइल चलता रहता है पासवर्ड भूल जाएं जब आपने उसे रीसेट करना ना तब उसने मांगना पासवर्ड आईक्लाउड की आईडी का। और जब हमारे पास पासवर्ड नहीं होगा तो तब हम उसे क्या करना पड़ेगा वो चला जाएगा आई क्लाउड के ऊपर। अब जब अगर उसे दोबारा ऑन करना है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा बाईपास करवाना पड़ेगा। और बाईपास की जो फैसिलिटी है ना वो सिर्फ आईफोन एक्स और एक्सएस तक मैक्सिमम मौजूद है। एक्सएस का मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन एक्स का कंफर्म है कि एक्स तक जो है ना बाईपास की फैसिलिटी अवेलेबल है। उससे ऊपर जो फोन होते हैं ना 11 12 सीरीज वो बाईपास नहीं होती टिल नाउ। उसके बाद का हमें पता कोई नहीं के बाद में इंशाल्लाह अपडेट आ जाएगी तो वो भी बाईपास हो जाएंगे। लेकिन अभी के लिए जो बाईपास होते हैं ना उसके अंदर सिम भी नहीं चलती। सेकंडली आई क्लाउड की आईडी लॉगिन नहीं होती ठीक है। उसके अंदर चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं ऐप स्टोर वगैरह से उसमें आई क्लाउड की आईडी लग जाती है लेकिन जो सेटिंग्स में आई क्लाउड की आईडी होती है ना वो नहीं लगती। आपकी जो पिक्चर्स कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते हैं वो अपलोड नहीं हो सकते। एंड सेकंडली उसके ऊपर नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को रमेश भाई के पास बाईपास आईफोन है बेशक वो वाईफाई से कनेक्टेड है तो मैं इन्हें मैसेज करूँगा ना अगर इनका मोबाइल पावर मतलब लॉक्ड है अगर मैं इन्हें मैसेज करूँगा इन्हें रिसीव नहीं होगा जब तक ये व्हाट्सएप ओपन नहीं करेंगे ठीक है। ये वाला एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक कह लें कि हिडन चीज़ थी क्योंकि मैंने खुद बाईपास एक दफ़ा बहुत अरसे पहले यूज़ किया था तो उसमें आगे मुझे ये पता चला कि यार ये होता है। और देन आप कुछ लोग जिनसे हम बाईपास करवाते हैं वो रीसेट का ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं। अगर वो रीसेट का ऑप्शन रहे तो हम रीसेट करें तो वो दोबारा आई क्लाउड पर चला जाता है। अगर रीसेट करेंगे तो दोबारा आपको जो है ना आई क्लाउड बाईपास करवाना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट बाईपास आईफोन्स। यस सामान हमारा आ गया अभी हम वो लेने आए हैं इधर अड्डे से। अब देखते हैं किधर है गड्डी पता नहीं कितने इधर से सामान लेना फिर इधर से सामान लेके दुकान पे चल के आपको दिखाता हूँ। यार अभी मैं आ गया हूँ दुकान पे। उन दुकान दे ये है सामान हमारा। ये फ्रंट दो शॉकअप्स हैं विद स्प्रिंग्स और ये वाला जो है ना ये है गाड़ी की कंगी।
अच्छा यार ये वाले जो शौक है ना ये हमने मंगवाए हैं काबली, ठीक है। दूसरे वाले जो नए थे वो वाले नहीं मंगवाए क्योंकि वो ज्यादा सॉफ्ट नहीं होते और मुझे राइड क्वालिटी पसंद है नॉर्मल स्मूथ में, इस वजह से ये वाले शॉकअप्स ही परफेक्ट लग रहे थे मुझे। और ये वाले जो है ना काबली हैं और अच्छी कंडीशन में हैं। अब मैं आपको दिखाता चलूं इसके अंदर से, तो ये रिपेयर शिपेयर वाला काम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये मैं अब आपको कैसे दिखाऊंगा, इधर से नजर नहीं आना, लेकिन ये वाले जो है ना बेसिकली ये जो अंदर है ये होता है शॉक और ये होता है ऊपर स्प्रिंग। अब शॉक जो है ना अंदर वाला, सिर्फ ये वाला हमारा खराब था और एक साइड का खराब था, एक साइड का बिल्कुल परफेक्ट था, ठीक है। स्प्रिंग एक साइड का उस साइड का ठीक था, लेकिन हमने ये जो है ना पूरा पूरा सेट मंगवा दिया विद फाउंडेशन, ये ऊपर जो होती है ना लगी हुई ये वाली जो चीज़ है, ये पूरा ये जो तीन बोल्ट से लगा हुआ है ये होता है फाउंडेशन, और ये वाला ऊपर लगता है जहाँ पे गाड़ी के कुप्पे होते हैं ना बोनट के अंदर, वहां पे जाके ये लगता है, और ये वाली आती है नीचे वाली साइड। ये वाला अब हम सुबह मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा, या जब भी कल फिट करवाया या परसों फिट करवाया तो फिर देखेंगे कि हमारे वाले की कंडीशन ठीक है या ये वाले जो हमने मंगवाए हैं इनकी कंडीशन ठीक है। कंघी के आते हैं, कंघी की जहाँ तक कंडीशन की बात है मुझे अब इतनी ज़्यादा चेक करनी नहीं आती क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है मैं लाइव कंघी देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी ना तो कंघी छेड़ाई है ना चेंज कराई है क्योंकि मैं पहले इंसानों की तरह गाड़ी चलाता था, लेकिन अभी जो है ना हमारे पंगों की वजह से ये वाले काम जो है ना छिड़ चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छा ये जो चीज़ है ये होती है कंघी की एडजस्ट, ये वाली साइड आती है मतलब इस साइड पे, ये है राइट साइड और ये आती है लेफ्ट साइड पे, मतलब ये वाली जो चीज़ है ना ये इस तरह लगती है कंघी, ठीक है। ये आएगी राइट साइड पे और ये आ जाएगी लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे आगे फिर स्टेयरिंग का जो सारा सिस्टम लगता है ये आगे एंड से कनेक्ट हो जाते हैं, और ये जनाब सारी कंघी का वर्क है। और जब हम ऐसे साइड पे कट मारते हैं इसके ऊपर भी लोड आता है, इसके अंदर प्ले आ जाती है, ठीक है इसके अंदर, और ये वाली चीज़ें खराब हो जाती हैं। अब ये वाले देखें ना बिल्कुल इसके अंदर प्ले कोई नहीं है, ठीक है इसके अंदर बिल्कुल भी प्ले कोई नहीं, ये ऊपर वाली जो चीज़ है। तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए परफेक्ट किस्म की, तब जाके गाड़ी की एक तो रोड ग्रिप भी बढ़ती है, और दूसरी बात ये है कि मुझे बड़ी सख्त सर्दी लग रही है इस टाइम पे, टू बी ऑनेस्ट बाहर से हो गया हूँ, ये जैसे सामान लेके आया हूँ ना उसके बाद मेरे हाथ दर्द करने लग पड़े थे, इतनी ज्यादा ठंड हुई हुई है बाहर। ये वाली जो चीज़ है ना ये वाली लगाते हैं फिर कल या परसों वाली वीडियो में, और आईफोन की वीडियो जो है ना वो मैं बनाने की सोच रहा था किधर बनाए कैसे बनाए, तो वो आज भाई ने बात छेड़ दी, तो मैंने कहा यार छोटा सा उसके ऊपर भी बना देते हैं कि बंदों को पता चल जाए कि क्या चीज है क्या नहीं। आईक्लाउड का मुझे पता है हर एक बंदे को पता होता है, लेकिन एक ये स्टार्टअप था, कल या परसों जैसे ही मुझे टाइम मिलता है उसके बाद मैं आपको वो वाली वीडियो भी बना के दे दूंगा पूरा। वो वीडियो कौन सी है तो वो हम बड़ी देर से अपने व्यूअर्स को लारा लगा के रखा हुआ है कि यार हम जो है ना आईफोन के चेकअप के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि आईफोन को चेक किस तरह कर सकते हैं जब आप सेकंड हैंड बाय करते हैं। अभी वो वाली वीडियो जो है ना डिले होती 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 है, पता नहीं कितने दिन हो गए डिले हो रही। शॉकअप्स वगैरह ये सारी फिटमेंट वगैरह जब होती है उसके बाद आपको उसके अगले दिन ही वीडियो मिल जाएगी। और करते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात, अल्लाह हाफिज़।